मेरे हजरत हैं या मेरे सूफिया के शेखुल हदीस रहिमहुल्लाह ताला मंगल को इंतकाल हुआ, अल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हाँ, अल्लाह ताला हर की कब्र को नूर है। मैं मंगल की सुबह वहां रावलपिंडी में था, रावलपिंडी में पिछले हफ्ते चतराल के सफर में था। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। बाद से बाप वहां सुबह इतला मिली के तरह का रात इंतकाल हो गए। रावलपिंडी से फौरन फिर मैंने खाल को 5:30 करीब इतला मिली तो फिर 6 बजे करीब सफर शुरू कर दिया। तो 10 बजे करीब अल्लाह ने यहाँ लाहौर पहुंचा दिया। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, अपने हर के गुस्ल में शरीक होने की तौफीक नसीब फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नमाज जनाजा में, फिर दफन में शरीक होने की तौफीक नसीब फरमाई। अभी हर को दफन करके मैं जामे मदनिया की तरफ रास्ते में जा रहा था तो पीछे से साथियों के फोन आना शुरू हो गए कि हर की कब्र से खुशबू शुरू है, हर की कब्र से खुशबू आ रही है। कितने हजरात हैं जाकर वहां पर खुशबू सूंघी, फिर साथी मिट्टी लेकर आए। सारी जिंदगी जो खुशबू फैलाई तो क्यों ना उनकी कब्र से खुशबू आया। हाँ, इन्नमल कब्र रोज़ा तुम रियादुल जन्ना, कब्र को मिट्टी का ढेर मत समझें, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है अपना। ये हुजूर का मुबारक फरमान, आपका एक मुबारक इरशाद, आपका एक मुबारक फरमान बर हक या रहमान। हर जगह दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं, हुजूर के फरमान, हुजूर के हर अल्लाह ताला का हर फरमान, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हर मुबारक फरमान के सामने बस अपने दिमाग को झुका दिया। ये कभी कभी अल्लाह ईमान की तकवीय के लिए अल्लाह पर्दे उठा देते, कभी कभी अल्लाह ताला बरहक है, सब ने जाना है।